हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम सही होंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में हाल ही में आए हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छी ट्रिक से और सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपको एकदम समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि सुनील 5 किलोमीटर की गति से स्थिर जल में नाव खेता है, स्थिर जल की बात कर रहा है, स्थिर जल में सुनील की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा उसकी धारा के विपरीत गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो सुनील की धारा की गति में क्या, धारा की दिशा में गति क्या होगी? तो केवल आपको एक बार ये पढ़ना क्वेश्चन, इसके बाद आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। स्थिर जल में सुनील की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या कह रहा है कि उसकी धारा के विपरीत, मतलब जिस तरफ धारा बह रहा है उसके अपोजिट साइड सुनील जो है वो उसकी गति नाव से तो घट कर जो है, जब अपोजिट चाल होगा तो घट जाएगा, इसमें घटा है तो उसकी चाल स्थिर जल में 5 थी, यहाँ 3.5 हो गया है, तो 5 में से ये 1.5 घटा है, तभी तो 3.5 उसका यहाँ आया है। तो हमें क्या पता चल गया कि 1.5 जो है ये धारा की चाल है। और क्या कह रहा है, यहाँ स्थिर जल का तो पहले बताया ही था कि सुनील का जो स्थिर जल में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल भी हमें पता चल गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है, तो सुनील की धारा की दिशा में, जब सुनील धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगी, तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 5 उसका पहले से ही था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1.5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल थी, तो दोनों जुड़ जाएंगी, यही पूछा भी है, तो 6.5 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, 6.5 इसका एक्चुअल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नाव ऊर्ध्वप्रवाह में स्थान ए से बी तक, एक नाव ऊर्ध्वप्रवाह मतलब अपोजिट साइड में, एक नाव ए से बी तक, और क्या कह रहा है हम देख लेते हैं, तक तथा अनुप्रवाह में बी से सी तक समान समय में, मतलब समय समान लगा है ए से बी तक और बी से सी तक जाने में, स्थान ए से बी तक की दूरी एवं स्थान बी से सी तक की दूरी का अनुपात 5:7 है, यदि नाव अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है तो धारा की चाल क्या है? क्या कह रहा है, यदि नाव अनुप्रवाह मतलब क्या कह रहा है कि ये धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ यहाँ बताया है कि दूरी जो है, दूरी बी से सी तक की दूरी जो है ये 7 है, और ए से बी तक की दूरी वो 5 है, तो 7 का मान यहाँ आपको निकल के दे ही दिया है 35, और दोनों बोला है समान समय में, तो वो 35 किलोमीटर की दूरी जो है बी से सी तक 35 किलोमीटर की दूरी गया है। अब हमें हम मान निकाल सकते हैं कि ये यहाँ दूरी जो है अनुपात में दिया था 7, तो यहाँ निकाला ये कितना है 35, तो हमें इसका भी मान निकल जाएगा 7 × 5 = 35, तो 5 = 25, इसकी जो है दूरी वो 25 किलोमीटर हो जाएगी। अब क्या बोला है कि दोनों एक उतने ही समय में गए हैं, एक समान समय में ही सफ़र किए हैं, तो क्या पूछा ये, तो धारा की चाल निकालना है, तो हम धारा की चाल बहुत अच्छे से बता देंगे। पहले ये क्या कह रहा है, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब ए माइनस बी, ये बताया है, और ये बताया है अनुप्रवाह मतलब ए प्लस बी, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ,
हम दोनों का मान निकाल लेंगे, वो समय कितना लिए हैं ये 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 5/2, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 25, ये 5 × 2 = 25, 5 × 2 = 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए माइनस बी निकल गया है। अब अगला हम निकाल लेंगे 35/5/2, 5 × 7 = 14, अब ये ए प्लस बी, अब दोनों का मान हम निकाल लिए हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी इसका आया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें धारा की चाल निकालना है, तो आपको हम पहले भी वीडियो में भी बता चुके हैं कि दोनों को चाल घटाकर 2 कर देंगे तो हमें धारा की चाल निकल के आ जाएगी। तो ये 14 में से 10 घटेगा तो आपका 4 आ जाएगा, 4/2, इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल निकल के आ गई। हमारा आंसर भी 2 सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक नाव प्रवाह के अनुकूल 13 मिनट में 3.9 किलोमीटर यात्रा करती है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल 28 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, यदि एक नाव प्रवाह के अनुकूल, मतलब धारा के साथ ए प्लस बी इसमें इंक्लूड है, तो क्या कह रहा है, प्रवाह के अनुकूल 13 मिनट में 3.9 किलोमीटर, तो हमें चाल निकालना है। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय निकला तो हमें दूरी कितना है 3.9 और ये किलोमीटर में है, तो हमारा जो समय, तो समय है कितना 13 मिनट है, इसे घंटे में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें निकला क्या ये चाल, तो यहाँ 10 कर लेंगे, ये कट जाएगा 13 × 3 = 39 और ये यहाँ से तो 3 × 6 = 18, तो ये जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकला क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 18 निकला है। और क्या कह रहा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसमें जोड़ा क्या क्या है देखिएगा, नाव प्लस धारा, तो धारा का यहाँ बताया है 3 है और इसका हम x मान ले बराबर है 18 के, तो उधर जाएगा, तो नाव की चाल जो है या x का मान जो है वो हमारा 15 निकल के आ गया, और धारा का हमें पहले ही बताया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब जो भी पूछेगा हम उसे अच्छे तरीके से बता देंगे। अब क्या कह रहा है, घंटा हो, धारा के प्रतिकूल 28 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में यात्रा कर सकती है, ये धारा के प्रतिकूल कह रहा है, तो धारा के प्रतिकूल हम निकाल लेंगे, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी और दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए हम आपको पहले भी बता दिए हैं, चाल निकालना है, इसमें क्या पूछा है, इसमें कितनी दूरी यात्रा कर सकती है, मतलब इसमें आपको दूरी निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये दूरी निकालना होगा, तो आपस में इनका गुणा हो जाएगा, तो करना क्या है देखिएगा, 28 से करना है आपका, तो कितना करना है, ये आपका हो जाएगा 12 और बटे 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 28/5, तो ये आपका हो जाएगा 5/5 = 25, 3 बचा 30, 5/6 = 30, ये 28 मिनट में आपका 5.6 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। आपको हम फिर से बता दें कि इसमें दूरी निकालना था, चाल और गुणे समय करना पड़ा, तो
चाल हमारा 12 निकल के आया था, क्योंकि अनुप्रवाह मतलब अनुप्रवाह मतलब नहीं उर्ध्व मतलब वो अपोजिट साइड जा रहा है, तो 15 नाव की चाल थी और 3 उसमें माइनस होगा तो 12 हो गया। तो समय और गुड़े चाल और बटे ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लिए, बटे 60 कर लिए, तो के बाद इसको भाग करके हमारा आंसर जो है 5.6 किलोमीटर 5.6। ये देखिए बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में केवल नौका का, इसमें धारा का कोई भी इंक्लूड नहीं है, और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, इसके द्वारा लिया गया कुल समय। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बताया है स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या कह रहा है कि धारा की चाल जो है, धारा की चाल जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक नाव को चलाकर ले जाता है और वापस बी से ए तक वापस ले आता है, तो दोनों तरफ उसे लगा समय ज्ञात करने को बोला है। तो हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर जो अनुप्रवाह जाना होगा मतलब धारा की तरफ, तो क्या होगा कि जो है धारा और नाव की चालें जुड़ जाएंगी। तो हम सबसे पहले 22.5 किलोमीटर की वो दूरी थी, तो क्या करेंगे ए प्लस बी जोड़ना है, तो 6 ये था और 1.5, तो ये होगा आपका 7.5। तो चलिए ऐसे यहाँ से ये कट गया, तो आपसे 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 5 25, ये 5 से 15 15 3 45, 3 घंटा समय तो यहाँ लगा जाने में उसे। अब क्या करना है, ये a प्लस b का मान निकल के आ गया, तो हमें क्या करना है अपोजिट साइड आना है b से a की तरह, तो क्या होगा हमारी जो धारा की चाल है वो घट जाएगी। तो 22.5 है, तो किस चाल से इसे चलाना है इसमें, तो धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर था और नाव की चाल जो है 6, तो उसमें से घटेगा आपका, तो 4.5 किलोमीटर की दूरी से वो यात्रा करेगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये कट गया, 5 से काट रहे हैं, 5 चौक 20 5 चौक 25, और 5 से ये काटेंगे, 5 9 45, 9 5 45, 5 घंटा समय यहाँ लगा। अब दोनों घंटों को हम आपस में जोड़ ले रहे हैं, 3 घंटा यहाँ समय लगा तो 5 यहाँ, तो 8 घंटा टोटल समय लगा, तो 8 घंटा हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। अब अगला आंसर देखिएगा, 8 घंटे एक्चुअल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक नाव ऊर्ध्वाधर में 75 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करती है, नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल की 5 गुनी है, यदि धारा की चाल 2 गुना हो जाए वह नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या कर रहा है, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब ए माइनस बी मतलब धारा इसमें माइनस हुआ है, क्योंकि ये नाव जो है धारा के अपोजिट गई है। सबसे पहले यहाँ की हम चाल निकाल ले रहे हैं, तो चाल हमारा होगा कितना, 75 बटे 7 × 14 = 15/2, 15 × 5 = 75 और 5 × 2 = 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ए माइनस बी ये निकल के आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए मान लिए कि ये 10 निकल के आ गया, तो ये क्या कह रहा है
चाल धारा की चाल की 5 गुनी थी। तो हम मान लिए कि धारा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नाव की चाल जो है वो 5x है, क्योंकि इसका 5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड क्या क्या है देखिएगा, a माइनस बी, तो 5x माइनस x बराबर ये 10। इसको हम मान सकते हैं क्योंकि देखिएगा जो यहाँ 10 किलोमीटर आया है a माइनस बी, मतलब नाव में से जो नाव की चाल है उसमें की धारा माइनस हुआ है। तो ये हम यहाँ से निकल के आएगा क्या हमारा 4x बराबर 10। अब यहाँ x बराबर 10/4, x बराबर हमारा 5/2, ये जो है धारा की चाल निकल के आ गई है। तो अगर जो यहाँ से धारा की चाल निकल के आ गई है कितना, धारा की चाल जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है। ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल निकल के आई है। तो इसमें अब हम नाव की चाल भी बता देंगे, तो a माइनस बी बराबर 10 निकल के आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो और दो इसमें जो है 2.5 जो है इसमें धारा की चाल और नाव की चाल थी। तो हम अब पूछा क्या इसमें देखिएगा, 5 यदि धारा की चाल 2 गुनी हो जाए तो वह नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमें क्या करना है, तो धारा को हमें जो है 2.5 किलोमीटर ये धारा की चाल निकल के आई है, तो इसे हमें डबल करना है। तो हमारा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और क्या था, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2.5 किलोमीटर ये धारा की चाल निकल के आई है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमें नाव की चाल निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, तो 10 नाव की चाल है और 5 जो है डबल करने को बोला है, तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में उसकी चाल आ जाएगी नाव की। अब करना क्या है, तो वो 4 घंटे में बोला है, तो 4 घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करेगी। हमारा 60 किलोमीटर जो है वो आंसर निकल के आ गया। 60 किलोमीटर यहाँ देखिएगा ई वाला दिए गए विकल्पों के अलावा, मतलब 60 इसका आंसर एक्चुअल में आएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 10 कहाँ से आया, तो आपको हम बता दें कि 10 जो है वो अगर जो हम नाव और नाव प्लस धारा की चाल अगर जो मानते, नाव और प्लस धारा, तो वो हमारा निकल गया था 12.5। तो वो जो अब 10 था, 10 हमारे नाव का था, तभी तो उसमें से वो 2.5 माइनस हुआ है, तब वो हमारा जो है 10 पहले था तो वो 7.5 हो गया था, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो नाव की चाल थी वो 10 ही थी। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो और ट्रिक से और अच्छे कॉन्सेप्ट से बताते रहेंगे। थैंक यू।